हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आहूजा का दो न्यू एम्पलीफायर के बारे में, जो कि आहूजा आपका न्यू मॉडल आपको दिखने मिल रहा है, जो कि आहूजा का न्यू लुक आपको मतलब दिखने मिल जाएगा। दो एम्पलीफायर, जो कि दोनों एम्पलीफायर आपका थोड़ा वोल्टेज में बात करेंगे, तो चले एक एक करके रिव्यू करके देख लेते हैं कितना वोल्टेज है और किस तरह एम्पलीफायर है, वो भी बात करेंगे। मैं पहले एक बार वीडियो बना दिया था, शायद आप लोग को पता नहीं है, तो इस वीडियो को देख लीजिए, आपको क्लियरली हो जाएगा किस तरह न्यू मॉडल बनाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए, तो चलिए बात करेंगे एक एक का रिव्यू देख ले। देखिए, एक का आपको मॉडल आपका APA 240 और दूसरा का है APA 480। ये आपका मॉडल हो जाता है आपको, देखिए आपका न्यू मॉडल आपको दोनों का एम्पलीफायर अच्छा तरह से दिखने में मिल जाएगा। हालांकि यह सभी आहूजा का एम्पलीफायर के अलग ही मतलब अलग ही डिजाइन मतलब इस बार किया है, तो वो शायद आपको एक लगभग आपका 6-7 महीने आपका हो गया एम्पलीफायर मतलब लॉन्च हुआ, तो आप लोग शायद पता नहीं। अगर आप लोग लिए तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मैं एम्पलीफायर लिया हूँ और अच्छा काम कर रहा है। तो चलिए बात कर लेता हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले एक का एम्पलीफायर रिव्यू कर लेता हूँ, जिसका एप्लीकेशन जान लेते हैं। देखिए, आप सबसे पहले आपको मॉडल आपको दिखने मिल रहा है आहूजा का APA 240। इसका टाइप आपका स्टील मतलब पी एम्पलीफायर होता है, मतलब हाल ही में ही आया है एम्पलीफायर, तो बहुत अच्छा एम्पलीफायर है। तो चलिए इसका पावर आउटपुट के लिए बात किया जाता है आपको। आपका देखिए, आपका आरएमएस पर आपका 325 वाट आरएमएस पर दिया है, और इसका मैक्सिमम पर आपका 415 वाट मतलब मैक्सिमम पर आपको दिया है। और इसका आगे बात के लिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 50 से 15 हर्ट्ज हाइटेस्ट तक दिया है। और स्पीकर आउटपुट के लिए बात किए थे आपका 4 ओम 8 ओम और लाइन वोल्ट के लिए 17 वोल्ट और 9 वोल्ट दिया है, तो अच्छा है। इस एम्पलीफायर में आपको LMT वाला डायनेमिक भी लगा सकते हैं और ओम वाला भी। तो चलिए इसका पावर सप्लाई देखिए, आपका 220 से 240 वोल्ट दिया है, और कार का बैटरी से बजाना है तो आपको 24 वोल्ट से आराम से बच जाएगा, जो कि दो का कार का बैटरी से चाहिए तो आराम से बच जाएगा। तो चले आगे बात कर लीजिए इसका इसका वेटेज है, वो सिंपल आपका 325 वाट दिखने में मिल रहा है, और इसका वेट आपका 20 kg लगभग हो जाएगा। तो चले और दूसरा एम्पलीफायर आपको देख लेते हैं। दूसरा एम्पलीफायर उसी उसी टाइप का है। देखिए, इसका मॉडल आपको सैमसंग दिखने में मिल रहा है, जो कि आहूजा का APA 480, और ये आपका टाइप वैसा ही आपको दिखने में मिल रहा है। चलिए इसका पावर आउटपुट के लिए बात, पावर आउटपुट की बात किया, देखिए आपका 600 वाट का आरएमएस पर दिखने में मिल रहा है, और मैक्सिमम पर आपका 750 वाट आपको दिखने में मिल रहा है। तो सभी एम्पलीफायर में ये आपका अलग ही दिखने मिल जाएगा, मतलब यह एम्पलीफायर आपका 600 वाट में दिखने मिल रहा है, और वो एम्पलीफायर आपका 325 वाट, मतलब सभी एम्पलीफायर में अलग ही एम्पलीफायर लाया है इस बार आहूजा ने। तो चले और आगे बात करिए, इसका फ्रीक्वेंसी आपको सैमसंग वैसा ही दिखने मिल जाएगा, 50 से 15 हर्ट्ज तक दिखने मिल जाएगा। और स्पीकर आउटपुट के लिए बात करें, वैसे आपको सैमसंग दिखने मिल जाएगा, 4 ओम 8 ओम लाइन वोल्ट 17 वोल्ट 9 वोल्ट दिया है, तो आप इसे आराम से रनिंग कर सकते हैं। और इसका पावर सप्लाई के लिए बात करिए, तो सैमसंग वैसा 220 से 240 वोल्ट और लाइन वोल्ट को दर्शाए दिया है, तो और इसे 24 वोल्ट में आपको कार की बैटरी से चल जाएगा, और इसका वेटेज आपका 32 kg लगभग हो जाएगा। तो चलिए आपका इस तरह आप एम्पलीफायर आपको दिखने मिल रहा है। तो थोड़ा मॉडल आपको ध्यान दीजिए, मॉडल आपको थोड़ा सा सिल्की टाइप को दिखने मिल रहा है, मतलब अच्छा लुक आपको दिखने मिल रहा है। बीचों बीच आपका वॉल्यूम बटन आपको दिखने मिल रहा है, तो यह हालांकि मैं सब नहीं बताता हूँ, वॉल्यूम बटन फैन सब ये सब वॉल्यूम इंडिकेटर सब कुछ तो मैं बिल्कुल नहीं बताता हूँ, मैं सिंपली आपको मतलब डायरेक्ट पॉइंट पर बताऊँ। तो चलिए इस बार भी डायरेक्ट पॉइंट पर बताएंगे। देखिए, इस एम्पलीफायर का प्राइस आपको पहले तो थोड़ा सा ज़्यादा मिलता था हाइज, लेकिन इस बार एम्पलीफायर का थोड़ा रेट आपका घट गया है, तो आपको इस तरह रेट आपको दिखने मिल रहा है। तो पहले का थोड़ा सा अभी का बहुत कम है, तो आप इस एम्पलीफायर को अभी ले सकते हैं, बहुत अच्छा एम्पलीफायर आहूजा का मॉडल है आपका, तो नाम तो काफ़ी अच्छा है।